जैन धर्म का कर्जा जिन्होंने साडे साहबजादियां नूं जगह दित्ती होवे उन्हां दा कर्ज हजारां वार मर के जन्म लै लिए वो धर्म का तो कर्जा उठा नहीं सकते। मैं तो खुशकिस्मत हाँ, वो तो अपने पैरां नूं अपने शरीर नूं टच नहीं कर देंदे। मैनू उन्होंने पैरां दी सेवा करन दा मौका देता कि उन्होंने पैरां नूं साफ कीता। तुहाडी आसी दी तासी बोलण वाले हो, पले इतिहास दे पन्ने पढ़ लो। टोडरमल जैन कौन सी, मोती राम कौन सी, वो मर गया कैंसर ना, ब्लड कैंसर ना। कहिंदा जी हिंदुस्तान दी एजेंसियां ने मारता। ओए पंजाब च रह के हिंदुस्तान च रह के ओए हिंदुस्तान ना तू गदारी करी जाना। यूट्यूब चैनल वाले तैनू किन्ने आजादी दित्ती देश नूं तोड़न दी। नारे गंदे लाउंदे ने, विदेशां जातवादी मारे जांदे ने इहनां दीआं अपणीआं गलतीआं नाल, ना हिंदुस्तान दीआं एजेंसियां च लाउंदे ने। ते छड्ड के चले जा फिर कनेडा नूं, चल जा इत्थे पंजाब दी हुशियारपुर दी धरती ते, तूं दाणे लैणा है इत्थे, तूं अग लाउणा है। पहलो अमृतपाल अग ला गया, उस तों पहलो कई होर अग ला गए। 36,000 बेगुनाह दा तुसीं कतलेआम करता, 19,000 हिंदू भरावां नूं तुसीं मार दिता। कोई हिंदू भरा बोलिया कि तुसीं मेरे भरा मारते? कहिंदा साडा तां रोटी बेटी दा रिश्ता, सरदार हिंदू असीं इक हां। किसी ने गिला कीता? तुसीं फिर नफरत दे जहर फैलाई जांदे हो। सर एक विरोधी धिर तुहाडे तों सवाल चुक रहे आ कि तुसीं इक किसे महापुरश दे पैर धोले नजर आए। पहली तां विरोधियां दी मैं देना ऐसी दी तैसी हां। उनको जदों जोड़ा घर दे विच लंगर दी सेवा गुरु महाराज दे चरणां च हुंदी है, छोटे छोटे बच्चों तो लैके वड्डे हैं, जोड़े मुसलमान दे भी जोड़े, हिंदू भरा दे भी जोड़े, ईसाई दे भी जोड़े, गरीब दे भी जोड़े, अमीर दे भी, हर एक दे जोड़ियां नूं चुक के पॉलिश करते ने, साफ करते ने। ते जिहड़े बर्तना दी सेवा लंगरां च करते ने, उहदे च हिंदू दे भी, मुसलमान दे भी, सिख दे भी, ईसाई दे भी, गरीब दे भी, अमीर दे भी, कि उहदे ते ऑब्जेक्शन उठणगे? कि महान पुरशां दे, जैन धर्म दे ओह महान पुरश, महान संत जिहड़े 1,60,000 किलोमीटर का सफर, तन ते कपड़ा नहीं, पैरां ते जुते नहीं, नागालैंड जिथे अतवाद है, असाम जिथे अतवाद सी, नेपाल गर्म सड़क दे उत्ते, काली सड़क दे उत्ते, कड़क सर्दी दे विच, तन ते कपड़ा नहीं, को अपने लिए यात्रा कर रहे हो? यात्रा करते ने मानवता लई। नारा की उन्हां दा? जियो और जीने दो। ये जिहड़े कहिंदे मेरे विरोधी नहीं, खालिस्तानी, जिहड़े कहिंदे मार देंगे, कट देंगे, गोलियां उड़ा देंगे, बंब चला देंगे, चलाउंदे, ये ओह जिन्हां ने आनंदपुर साहब की धरती से होले महल्ले दे दिन एक कनेडा तो आए पवित्र बाणा पाया, उन्हें निहंग सिंह ने उन्हूं वढ दिता, उन्हूं टुक दिता, उन्हूं मार दिता। वो बंदे जिन्हां ने पुलिस ते करोना काल दे विच पुलिस दे जवान दा हथ कट दिता, वो विरोधी जिन्हां ने छिंबू बार्डर दे उत्ते तलवानियां दे वांगू फड़ के ते तलवानी भी नहीं टुकड़े करते, टुकड़े टुकड़े कर दिते, वो गल्लां करदे ने, मानवता दी गल करदे ने। ये विरोधी गल्लां करन वाले इतिहास नूं पढ़ लैण कि वो जैन धर्म दे संत दे गुरु कौन सन। टोडरमल जैन, जिन्हां ने गुरु महाराज के छोटे साहबजादियां लई 400 करोड़ की उस वेले जमीन वेच के अछवरियां लिटा के नहीं, खड़े करके माता जी लई ते साहबजादियां की जगह दित्ती सी। वह इतिहास, वो जैन धर्म का कर्जा जिन्हां ने साडे साहबजादियां नूं जगह दित्ती होवे उन्हां दा कर्ज हजारां बार मर के जन्म लै लिए, वो धर्म का तो कर्जा उठा नहीं सकते। मैं तो खुशकिस्मत हाँ, वो तो अपने पैरां नूं अपने शरीर नूं टच नहीं कर देंदे। मैनूं उन्होंने पैरां दी सेवा करन दा मौका देता कि उन्होंने पैरां नूं साफ कीता। तुहाडी आसी दी तासी बोलण वाले हो, पले इतिहास दे पन्ने पढ़ लो। टोडरमल जैन कौन सी, मोती राम कौन सी, जिन्हें दो दुध दे गलास बच्चों साहबजादियां नूं पिलाउण लई सारा परिवार नीहां च उहदे च कोल्हू दे विच कर चनवा दिता सी, उह सी कोल्हू च पसवा दिता सी, उह सी कादे इतिहासकार ने नवें नवें। एक तुहाडा हुशियारपुर का चैनल यूट्यूब चैनल कहिंदा मैं बंगाल की धरती ते जन्म लिया ते कनेडा चों आया ते वकालत इत्थे करदा फिरदा है, आ जिहड़ा निज्जर मार दिता उत्थे इन्हां दे अपने बंदिआं ने, जिहड़ा परमजीत सिंह पंजवड़ नारको टैररिज्म का सब तो वड्डा समगलर पाकिस्तान दे विच ISI ने मारिया। एक ओह बंदा ढुंडा के पुंडा जिन्हें तिरंगे झंडे का अपमान UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ।
भारत माता नूं गालां कढ़ियां, हिंदू धर्म के खिलाफ माड़े शब्दों का प्रयोग किया, वो मर गया कैंसर ना, ब्लड कैंसर ना, कहिंदा जी हिंदुस्तान दी एजेंसियां ने मारता। वो पंजाब च रह के हिंदुस्तान च रह के वो हिंदुस्तान ना तू गदारी करी जाना, यूट्यूब चैनल वाले तैनू किन्ने आजादी दित्ती देश नूं तोड़न दी, तैनू किन्ने आजादी दित्ती हिंदू सिखां दे विच फर्क पाउण लई, जिहड़ा 9 मास दा रिश्ता तैनू तैनू किसने आजादी दित्ती है? मैनूं लगदा इह चैनल इंग्लैंड तों अमरीका तों पता चलदा, तुहाडे हुशियारपुर तों चैनल चलदा, दस्तार सोहणी, दाढ़ी बड़ी पवित्र, ते चेहरे ते नफरत, चेहरे ते जहर, चेहरे ते हिंदू सिखां दे खिलाफ पाड़ो पाड़ी, इहदे हत्थ च चेहरा इहो जिहा नफरत वाला लगदा, जहर वाला लगदा, इहदे हत्थ च 2 बंदूकां 1K47 दीआं होण ते 10 गोलियां दीआं बोरियां दे दिओ, जिहड़े सरदार दे सिर ते पग नहीं उहनूं गोलियां ना मारी जाओ, तुहाडे हुशियारपुर दा चैनल। ओ शर्म कर लै, तूं शर्म कर लै, अपने आप नूं सिख कौम दा बड़ा वड्डा इतिहासकार करदा, कदी हिंदू समाज दे खिलाफ तूं माड़े शब्दां दा इस्तेमाल करदा? हिंदुस्तान है, अज दा भारत है, आपां हिंदू सिख साडा रोटी बेटी दा रिश्ता, 9 मास दा रिश्ता है। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਟੋ ਧਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਰੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਈਰਖਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਗੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਾ ਗਏ, 36,000 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਤਾ, 19,000 ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਉਠਾਏਗਾ? ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।